जेब पल्ले बढ़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई, मेरी जिंदगी में कहानी और बढ़ गई। इजहार किया तो तीन चार जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में जड़ गई। ये बीवी तो मुसीबत की लेकर आएगी आंधी, गुलामी में ही जियोगे न कुछ कर पाएंगे गांधी। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से, दूध बाजार का पीते रहे पर भैंस न पानी। मंच पे केवल लक्ष्मी ही नहीं है, शनिचर भी है कई जगह। अब इस बिटिया को देखो, इसको ऐसा लगता है कि भगवान ने एक सांचे में ढाल के बनाया। इतना सौंदर्य, इतनी शुभता, इतनी शुचिता इसे दी। और इसको देखो तो ऐसा लगता है उसे जो सांचे में बनाया था इसे तोड़ दिया सांचा, उसी टूटे हुए सांचे से इसे बनाया। ये ऐसा लगता है इसे बीआरओ का निर्माण हो और ये प्राइवेट बिल्डर का निर्माण हो। आगरा से हमारे बीच गणेश मुस्कान जी आए, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे कृपा पूर्वक अपना पार्थिव शरीर उठाएं, अपना जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मैं ज्यादा देर तक आप लोगों के प्राण नहीं लूंगा। कविता मेरी छोटी बहन है, बहुत शानदार कविता पढ़ ली, देश की बड़ी वीररस की कवित्री है। बताया बेटियां ऐसी होती हैं, बेटियां वैसी होती हैं, सब कुछ बेटियां ही थी, हम तो कहीं थे ही नहीं। कई तर्क मेरी समझ में नहीं आते। अब ये भावुक कर देते हैं वीररस के कवि, कहीं सावित्री ने होती तो सत्यवान को बचाता कौन। अरे भाई, सावित्री सत्यवान से वापस इसलिए लाई थी, बोले तू कौन होता, इसके प्राण मैं लूंगी। माननीय मंत्री दिनेश बावरा केवल कुर्ते में बैठा है, बार बार उसने सवाल मांगी, टाइम से मंगवा तो वरना चढ़ानी पड़ेगी। डॉक्टर कुमार विश्वास मेरे बड़े भाई हैं, क्या मेरा शानदार परिचय दिया इससे आप समझ गए होंगे कि कितना प्रेम करती हैं। इनका वही प्रेम है मेरे प्रति जो आजकल इनका केजरीवाल के साथ चल रहा है। विश्वास इकट्ठे जवान हुए, इसमें हमारे डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए, वो बात अलग है कि जवान होकर मैं इकट्ठा। कई देशों की यात्राएं मैंने इनके साथ की, लगभग 17-18 देशों में मैं इनके साथ गया हूं। हाँ भैया, तू पहले बजा ले। तो ऐसा नहीं कि बहुत प्रेम करते इसलिए ले जाते हैं, विदेश से इज्जत बचा के मैं ही लाता हूँ। जब भी इमिग्रेशन से बाहर निकलते हैं किसी देश में तो ज्ञान और कविता तो आदमी बाद में सुनेगा, पहले कद काठी देखता है। तो जैसे ये बाहर निकलते हैं तो विदेशी लोग देखते हैं और सोचते हैं कि भारत में भुखमरी है। बाद में मैं निकलता हूँ तो समझ जाती है क्यों है। आजकल 22+ श्रेणी की सुरक्षा इन्हें मिली हुई है, वो कमांडो आ जाते हैं इनके साथ में, VIP व्यवस्था हमें भी मिल जाती है। वो कमांडो आ जाते हैं भीड़ से बचाने के लिए, घेरा बनाओ, घेरा बनाओ, घेरा बनाओ। मैंने कहा भैया इनका बनाओ, मेरा तो बना हुआ है। प्रेम प्यार की कविताएं लिखी, देश ने विदेश ने सब जगह गाई गई। मैं भी चाहता था प्रेम प्यार की कविताएं लिखूं। अच्छा। हाँ, लेकिन वो अपने से हुआ नहीं, क्योंकि प्रेम प्यार इससे प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। प्रेम प्यार की कविताएं क्या है, कॉलेज टाइम में जो कुछ हरकतें की गई होती हैं उसका काव्यानुवाद है। कॉलेज तो मैं नहीं जाता था लेकिन मैं पढ़ने जाता था।
मैंने भी किए प्रेमिका, हो सकता है इनको दिखी हो प्रेमिका की नीली नीली आंखें तो वैसा लिख दिया, मुझे तो उसके बाप की लाल पीली पहले दिख गई थी। ऐसा नहीं कि प्रेम में परिणाम सब ठीक ठाक निकलते हैं, कभी कभी प्रेम में परिणाम दूसरी तरह के भी निकलते हैं। मेरे साथ जो हुआ, मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूँ, कविता ने क्या भाषा पढ़ी, और आजकल ऐसे कवि भी बहुत से आते हैं, बहुत कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं और चिल्ला के सुना देते हैं, आप डरके मारे ताली हो जाते हैं। पिछले दिनों एक कवि को सुनता था, बात कुछ नहीं थी, तालियां बज रही थी, कहता था अंधकार के घोर तिमिर में, मतलब एक ही लेकिन भाई लगा हुआ है, अंधकार के घोर तिमिर में घना अंधेरा छाया है, सूरज निकला घोर हो गई, चलो सवेरा है। ऐसी कविताएं भी आने लगी, मैं बहुत सीधा पर लिखता हूँ, मैंने भी प्रयास किए कोई प्रेमिका हूँ, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, परिणाम सुनिए, अखियां लड़ गई, वाह नहीं परिणाम सुनो, अखियां लड़ गई, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई, मेरी जिंदगी में कहानी और बढ़ गई, इजहार किया तो तीन चार जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में झड़ गई। ये देख रहे हैं प्रेम, पिटने पर बधाई दी जा रही है, और आप मैं समझ रहा हूँ बहुत से लुटे पिटे लोग बैठे हैं, बहुत समय बाद मिले हैं, काफी भीड़ है, बहुत अच्छा लग रहा है, वरना कितना बुरा समय निकल के गया साहब, कोरोना काल कैसा बुरा समय हमने झेला, दो दो लॉकडाउन हमने झेले, और याद कीजिए पहला लॉकडाउन कितने डरे हुए थे उस समय, पहला लॉकडाउन याद कीजिएगा, इतने डरे हुए थे कि सर्फ के पैकेट को सर्फ से धोए थे, अपनी ही पत्नी के साथ घर में बंद थे, उसी की शकल देखनी पड़ रही थी, ब्यूटी पार्लर तक बंद थी, बाद में सरकार को थोड़ी दया आई तो उसने शराब के ठेके खुलवा दिए, जिनको पी करके चुड़ैल भी सुंदर दिखाई देती है, और ये कोई जोक नहीं, मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ आपको, मेरी पत्नी लॉकडाउन में, अच्छा बाहर पुलिस, उस समय दो ही लोग सेवा कर रहे थे, पुलिस और डॉक्टर, डॉक्टर वैक्सीन लगा रहे थे, पुलिस डॉक्टर पूछ भी लेते थे कि पिछली बार किधर लगी थी, पुलिस नहीं पूछती थी, बाहर निकलते जो कुटाई होती थी, उस समय मैंने कुछ पुस्तक लिखे हैं, हाँ इन्होंने लिखा, मोहब्बत से एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था कभी मीरा दीवानी है, मैंने कहा करके देखो मोहब्बत है क्या, सुनिए क्या आनंद मिलेगा, मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है, मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है, कभी पिक्चर दिखानी है कभी साड़ी दिलानी है, मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, उसे समझाऊं मैं कैसे, मुझे छोरी पटानी है, समझ रहे हैं, कहीं तो चीख निकल गई, एक और तब तक सुन लीजिए, किसी कमनी कन्या का कहीं पर दीद हो जाए, वाणी पहली लाइन तो मैं अच्छी लिखता हूँ, आगे सुनो, किसी कमनी कन्या का कहीं पर दीद हो जाए, संभव है नहीं उस पल सभी की ईद हो जाए, एंडी रोमियो स्क्वाड वाले घूमते हैं अब, न जाने कब कहां पर आपकी बकरी ईद हो जाए, वो हो तो ठीक है, और देख रहा हूं बहुत से लोग जोड़े से आए हैं, फिर भी हंस रहे हैं, बड़ा मुश्किल काम है, अब जिनकी हो गई है, अच्छा जैसे विवाहित महिला की पहचान होती है भारतीय महिला की कि उसके गले में मंगलसूत्र यहां तक लटका होता है, विवाहित पुरुष की भी पहचान होती है, उसकी गर्दन यहां तक लटकी होती है,
अब जिनकी हो गई है उनका तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन युवा पीढ़ी के लोग बैठे हैं, जो बचे हुए हैं वो एक ज्ञान सुन लीजिएगा। हाँ, ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी। तो कर रहे हो, जब हो जाएगी तब बताना। ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी, गुलामी में ही जियोगे न कुछ कर पाएंगे गांधी। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से, सलमान खान। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से, दूध बाजार का पीते रहे पर भैंस ना बांधी। कितना भी दोबारा सुन लो इसमें डेयरी का पता फिर भी नहीं आएगा। चलिए, मेला प्रशासन को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, आदरणीय मंत्री जी, जिलाधिकारी महोदय जो साहब बैठे हुए हैं, और डॉक्टर कुमार विश्वास से चौहरबाजी कितनी भी कर लें, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि डॉक्टर कुमार विश्वास हिंदी काव्य मंच का वो कोहिनूर हीरा है जिसकी आभा में बैठ करके हम जैसे कंकड़ पत्थर भी कभी हुए। मेला प्रशासन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि डॉक्टर कुमार विश्वास जी को बुलाने में सफल हो गए, वरना कुछ भी करा सकते थे, रॉक पॉक तमाम तरह की चीजें चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति जो प्रहार कर रही है उसको रेखांकित करते हुए मैंने एक गीत लिखा है, वो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। एक बार तालियां बजा करके माहौल देखिएगा। इसकी भूमिका मैं बताना चाहता हूँ। एक संस्कारवान किसान का बेटा पढ़ने के लिए विदेश चला गया और वहां उसका प्रेम एक मॉडल लड़की से हो गया जो पूरी तरह पाश्चात्य रंग में रची बसी थी, और रची बसी क्या थी, लिपिपुटी थी। कुछ दिनों बाद उसे लगा कि इसके साथ मेरा निर्वहन नहीं हो सकता, इसके साथ नहीं निभ सकती, तो उसने उसे पत्र लिखा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा, और क्यों नहीं दे पाऊंगा, सारे तर्क उसने लिखे, वो आप तक पहुंचाता हूं। वो कंप्यूटर युग की छोड़ी, वो कंप्यूटर युग की छोड़ी, मन की काली तन की गोरी, किंच तो अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। छोड़ी क्यों नहीं दे पाऊंगा, तक सुनिए कि तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम मिनरल वाटर की बोतल, मैं गंगा का पावन जल हूँ। तुम करो गाड़ियों की माने, मैं पाँव पाँव चलने वाला। तुम्हें लो जलती जलती हो, मैं दीपक सा जल देगा। संसार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। ये कंप्यूटर की छोरी लड़की मॉडल मॉडलिंग करती है कि तुम रैंक उपदेह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। तुम रैंक उपदेह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। जब तुम्हें देख सीटी बजती, मैं घूंट लहू का पीता हूँ। तुम सदा स्वप्न में जीती हो, मैं हूँ यथार्थ जीने वाला। तुम जाम टकीला पीती हो, मैं हूँ मट्ठा पीने वाला। हर बार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। कंप्यूटर युग की छोरी। संस्कार से मुझे याद आ गया, और ये भी सच्ची घटना है, कोई जोक नहीं है। संजय दत्त को जेल से जल्दी छोड़ दिया था जब उन्हें सजा हुई थी, क्योंकि उनके जेल में आचार व्यवहार संस्कार ठीक ठाक थे। तो ऐसा होता है कि जो जिन कैदियों के संस्कार ठीक होते हैं उनकी थोड़ी सजा कम कर दी जाती है। उन्हें जल्दी छोड़ दिया था, जब टीवी पर खबर चल रही थी तो मेरा एक 12-13 साल का भतीजा, उसने खबर देखी और मुझसे पूछा, चाचा ये संजय दत्त को जल्दी क्यों छोड़ दिया। मैंने कहा, बेटा उसके जेल में आचार व्यवहार संस्कार बहुत अच्छे थे, इसलिए छोड़ दिया। बोले, अच्छा, आसाराम बापू जेल में भी नहीं मानने गया। तर्क आनंद लीजिएगा कि तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम डिस्को की धुन पर नाचो, मैं राम नाम ही जपता हूँ। तुम डैडी को डैड कहो, अंग्रेजी की भी अंग्रेजी, तुम डैडी को डैड कहो,
तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा, कंप्यूटर की चोरी तुम पॉप म्यूजिक सी बजती मैं बंसी की धुन का दुनिया। क्या प्रयोग है वाह। तुम पॉप म्यूजिक सी बजती मैं बंसी की धुन का दुनिया, मुझ पर डॉट फोन भी ना तुम पर इंटरनेट ही दुनिया। तुम मोबाइल के मैसेज सी में पोस्ट कार्ड लिखने वाला, तुम टेडी बियर सी लगती मैं गुब्बारा उड़ने वाला। भौतिकवादी सुख साधन संचार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझ पर माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा, अंतिम अंक पढ़ता हूँ। और इसमें कुछ प्रतीक राजनीति से है, कवियों का साहित्यकार का किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना होता नहीं है। मस्ती में लिखा है मस्ती में सुन लीजिए। और हमारे यहाँ तो नेता बड़े कमाल कमाल के हुए हैं। मुलायम सिंह जी ने एक बयान दिया था, काफी चर्चा में रहा था, कि लड़कों से गलती हो ही जाती है। बाद में नारायण तिवारी जी ने माथा कूट लिया, बोला गलती से लड़के हो जाते हैं। उन विषम परिस्थितियों में एक बंद करता हूँ। और इसमें जो अंतिम नाम आए मैं प्रणाम कर लीजिएगा, क्योंकि वो हमारे कुनबे से भी थे, कि मैं धरती पुत्र मुलायम सा तुम हो कठोर माया जैसी, मैं धरती पुत्र मुलायम सा तुम हो कठोर माया जैसी, मैं सिंह गर्ज नवाला हूँ तुम हथनी की काया जैसी। तुम सब कुछ अपना हार चुकी, तुम सब कुछ अपना हार चुकी, मैं जीता हुआ जुआरी हूँ, तुम इटली की रानी जैसी, मैं देसी अटल बिहारी हूँ। तो तुमको अपने जीवन की सरकार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं।